हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की मुसीबत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मुसीबत मुआफिक मत्तेउस के जलाल हो तुझको ए खुदावंद। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि दो रोज के बाद ही पास्का होगा और मानव पुत्र पकड़ा जाएगा ताकि सलीब पर चढ़ाया जाए। तब याजकों के सरदार और लोगों के बड़े बूढ़े कैफस के आंगन में इकट्ठे हुए और उन्होंने मशविरा किया कि यीशु को किस दगा से पकड़ें और मार डालें, पर वे कहते थे ईद के दिन में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों के बीच जब यीशु बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के घर में थे, उनके पास एक स्त्री आई जो सुफेद संगमरमर के बासन में बहुमूल्य इत्र रखती थी, और जिस वक्त यीशु मेज पर बैठे थे उनके सिर पर उसे डाला। शागिर्द यह देखकर खफा हुए और वो यह बर्बादी का एक हो, क्योंकि वह इत्र बेचने से बड़ा दाम मिल सकता था जो गरीबों के काम में आया होता। जब यीशु ने यह सुना उनसे कहा, क्यों स्त्री को सताते हो? इसने तो मेरे लिए एक अच्छा काम किया। क्योंकि गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यह इत्र मेरे बदन पर डालने से उसने मेरे दफन की रस्म की। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारी दुनिया में जहाँ कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाएगा, जो काम इसने मेरी याद के वास्ते किया है, कहा जाएगा। तब उन बारहों में से जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था महायाजकों के पास गया और उनसे कहा, तुम मुझको क्या दोगे कि मैं तुम्हारे हवाले करूं? लेकिन उन्होंने उसके साथ 30 रुपये में तय किया और उस दम से वह घाट ढूंढता था उसे पकड़वाने को। बेखमीर रोटियों के पहले रोज शागिर्द यीशु के पास आए कहते हुए, आप क्या चाहते हैं कि हम आपके वास्ते पास्का की तैयारी करें? यीशु ने कहा, शहर में जाओ एक फलाने के पास और उससे कहो कि उस्ताद कहते हैं कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं आपके यहाँ पास का करूँगा अपने शागिर्दों के
और शागिर्दों ने ऐसा ही किया जैसे यीशु ने उनको फरमाया था और पास्का को तैयार किया। फिर जब शाम हुई तब अपने 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे और वे खाना खा रहे थे कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझको पकड़वा और वे बहुत उदास हो गए और उनमें से हर एक बोलने लगा, ए खुदावन क्या वह मैं हूँ। लेकिन यीशु ने जवाब साथ थाली में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। मानव पुत्र ला कलाम जाता है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसे मानव पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस शख्स के वास्ते अच्छा था जो पैदा नहीं हुआ। यीशु को पकड़वाने पर था जवाब देकर बोला, ए खुदावन क्या वह मैं हूँ। यीशु ने जिस वक्त वे खाना खा रहे थे यीशु ने रोटी ली और बरकत चाही और तोड़ी और वे अपने शागिर्दों को दिया का। ले लो और खाओ यह मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया यह का। तुम सब इसको पियो यह मेरा लहू है नई वसीयत का जो बहुतों के गुनाहों की बख्शिश के वास्ते बहाया जाएगा। मैं तो तुमसे सच कहता हूँ कि मैं अंगूर का यह रस अब से न पीऊंगा उस रोज तक जब तक कि मैं अपने बाप की बादशाहत में तुम्हारे साथ इसको न और वे स्तुति गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, आज की रात तुम सब मुझ में ठोकर खाओगे क्योंकि यह लिखा है कि मैं गडरिये को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी उठने के बाद तुम्हारे आगे गलील को जाऊंगा। पेत्रुस ने उनसे जवाब में कहा, जो भी सबके सब आप में ठोकर खाए मैं हरगिज ठोकर नहीं खाऊंगा।
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही की रात, इससे पहले कि मुर्गा बांध दे, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पेतरुस ने कहा, जो भी मुझको आपके साथ मरना पड़े, मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी यही कहा। तब यीशु उनके साथ एक बस्ती में आए जो गेतसेमानी कहलाती है, और अपने शागिर्दों से कहा, तुम यहीं बैठो कि मैं वहां जाके दुआ करूं। और उन्होंने पेतरुस और जब्दी के दोनों बेटों को अपने साथ लिया, तब वे कुढ़ने और उदास होने लगे, फिर वे बोले, मेरा जी मरने तक उदास है, तुम यहाँ रहो और मेरे साथ जागते रहो। और वे थोड़ी दूर आए गए और मुंह के बल गिरे, यह दुआ करते और करते हुए, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन जैसा तू चाहता है। और अपने शागिर्दों के पास जाकर उन्हें सोते पाया, और पेतरुस बोले, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जागते नहीं रह सकते हो? जागते रहो और दुआ करो कि परीक्षा में ना पड़ो। जी बिल्कुल तैयार है पर शरीर सुस्त है। यीशु फिर दोबारा गए और दुआ की अगर ना हो सके कि यह कटोरा मुझसे हट जाए, सिवा इसके कि मैं इसे पीऊं तो तेरी रजा होवे। फिर उन्होंने आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनके आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर गए और तीसरी बार दुआ की। वे ही बातें कहते हुए वे अपने शागिर्दों के पास आए और उनसे कहा, अब तुम सोवो और आराम करो, देखो कि वक्त नजदीक है और मानव पुत्र पापियों के हाथ गिरफ्तार होगा। उठो हम चले, देखो वह नजदीक आया जो हवाले करेगा। यीशु कहते ही थे कि देखो यहूदा उन 12 में से एक आया, और उसके साथ एक बड़ा गिरोह तलवारें और सोटे लिए हुए, जो याजकों के सरदारों
और कौम के प्राचीनों से भेजे गए थे, पर जिसने यीशु को पकड़वाया उनको यह निशान दिया था। जिसे मैं चुम्मा दूंगा वही है, उसे पकड़ लो। और तुरंत यीशु के पास आकर बोला, ए रब्बी सलाम, और उनको चुम्मा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, ए दोस्त, तुम काहे को आया है। तब वे नजदीक पहुंचे और यीशु पर हाथ डालकर उनको पकड़ लिया। और देखो, उन लोगों में से एक ने जो यीशु के साथ थे हाथ उठाया और अपनी तलवार खींचकर याजकों के सरदार के एक चाकर का कान काट डाला। तब यीशु ने उनसे कहा, तलवार अपने म्यान में कर, क्योंकि जो लोग तलवार खींचेंगे तलवार से मारे जाएंगे। शायद तुम सोचते हो कि मैं अपने बाप के पास दुआ नहीं कर सकता, और वह अभी फरिश्तों की 12 सेनाओं से ज्यादा मुझको नहीं देगा। पर पैगंबरों की बातें क्यों कर पूरी होगी, जिनके अनुसार ऐसा होना जरूर है। उस वक्त यीशु भीड़ से बोले, तुम मुझे पकड़ने के लिए निकले हो जैसे एक चोर को तलवारें और सोटे लिए हुए। मैं सब दिन तुम्हारे साथ मंदिर में सिखलाने बैठता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, बल्कि यह सब कुछ हुआ कि पैगंबरों की बातें पूरी हो जाए। तब शागिर्द उन्हें छोड़कर भागे और वे यीशु को पकड़कर कैफस याजकों के सरदार के पास ले गए, जहां शास्त्री और प्राचीन जमा हुए थे। लेकिन पेत्रुस दूर से उनके पीछे पीछे जा रहा था याजकों के सरदार के आंगन तक, और भीतर जाकर नौकरों के साथ बैठा कि इस बात का अंजाम देखे। पर याजकों के सरदार और सारी मजलिस झूठी गवाही यीशु के विषय में ढूंढती थी ताकि उन्हें कत्ल करे, और उन्होंने यीशु में कुछ नहीं पाया क्योंकि झूठे गवाह बहुत से आए थे। निदान दो गवाह आए और बोले, इसने कहा कि मैं खुदा का घर ढा सकता और 3 रोज के बाद फिर ढा सकता हूँ। तब याजकों के सरदार ने उठकर यीशु कहा, ये आप गवाही देते हैं तो आप इनका जवाब क्यों नहीं देते हैं? लेकिन यीशु बिल्कुल चुप रहे। यह याजकों के सरदार ने उनसे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ, अगर आप मसीह हैं खुदा का बेटा तो हमसे कहिए। यीशु ने उनसे कहा,
ही कह चुके, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि इसके बाद आप मानव पुत्र को देखेंगे जो खुदा की कुदरत की दाहिने बगल बैठा होगा और आसमान के बादलों पर आएगा। तब याजकों के सरदार ने अपने कपड़े फाड़े, कहते हुए यह कुफ्र की बात बक चुका, अब आगे हमको गवाहों की क्या दरकार है। देखिए अब आपने खुद अपने कुफ्र की बात सुन ली तो आपको क्या मालूम होता है। तब उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और घूंसे मारे और दूसरे ने उनके मुंह पर तमाचे लगाए, यह कहते ऐ मसीह हमें बता कि जिसने तुझको मारा है वह कौन है। जब पेत्रुस बाहर आंगन में बैठा था उसके पास एक दासी आई, कहती हुई तू भी यीशु गलीली के साथ था। लेकिन उसने सबों के सामने इनकार किया और मैं नहीं जानता हूं कि तू क्या कहती है। जब वह दरवाजे से बाहर निकला तब दूसरी दासी ने उसको देखा और उसने उन लोगों से जो वहां थे कहा, यादमी भी ये सुनाजरी के साथ था। और पेत्रुस ने कसम के साथ फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे पेत्रुस के पास आए और बोले, बेशक तू भी उन्हीं में से एक है क्योंकि तेरी जबान तुझे पकड़वाती है। तब उसने बुरा भला कहना और कसम खाना शुरू किया कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। और मुर्गे ने तभी बांक दी और पेत्रुस को यीशु की बात याद आई जो उन्होंने उससे कही थी, इससे पहले कि मुर्गे बांकते तू तीन बार मेरा इनकार करेगा। तब वह बाहर गया और जोर जोर से रोने लगा। और जब फजर हुई याजकों के सरदार और कौम के प्राचीनों ने यीशु के विषय में सलाह मशविरा किया उसे कत्ल करने के वास्ते, और यीशु को बांधे हुए पोंतुस पिलातुस को जो हाकिम था सौंप दिया। उस वक्त यहूदा जिसने उसको पकड़वाया था यह देखकर कि यीशु पर मौत का हुक्म निकला है पछताया और 30 रुपए याजकों के सरदारों और प्राचीनों के पास फिर से ले आया। यह मैंने गुनाह किया धर्मी का लहू सौंपने से। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, इससे हमें क्या, तू ही समझ ले। और उसने रुपयों को मंदिर में फेंक दिया और चला गया और अपने तई फांसी दी। और याजकों के सरदार वे रुपये लेकर बोले, इन्हें खजाने में रखना जायज नहीं
क्योंकि अलहू का मोल है। और उन्होंने सलाह करके उन रुपयों से किसी कुम्हार की जमीन खरीद ली मुसाफिरों को दफनाने के लिए। इस वास्ते वह जमीन अब तक हकेल दमा कहलाती है, याने लहू की जमीन। तब पूरा हुआ जो यिर्मयाह पैगंबर ने कहा था, उन्होंने 30 रुपये लिए उसका ठहराया हुआ मोल। जिस शख्स का मोल इसराइल के पुत्रों ने ठहराया, और उन्होंने उन रुपयों को एक कुम्हार की जमीन के वास्ते खर्च किया, जैसे खुदावंद ने मुझको फरमाया था। और यीशु हाकिम के सामने खड़ा किए गए, और हाकिम ने उनसे पूछा क्या आप यहूदियों के बादशाह हैं। यीशु ने उनको याजकों के सरदारों और प्राचीनों ने यीशु पर अनेक दोष लगाए, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पिलातुस बोला, क्या आप नहीं सुनते हैं कि ये आपके ऊपर कितनी बातों की नालिश करते हैं। और यीशु ने उसको किसी बात का जवाब नहीं दिया, ऐसा कि हाकिम बहुत अचंभे में पड़ गया। अब हाकिम का दस्तूर था कि बड़े दिन में एक बंदी को, जिस किसी को लोग चाहते थे, छोड़ देता था। और उस वक्त उसके यहाँ एक मशहूर कैदी था, नाम उसका बरब्बास। फिर जब वे इकट्ठे हुए, तब पिलातुस ने उनसे कहा, मैं किसको रिहा करूं, बरब्बस को या यीशु को जो मसीह कहलाते हैं। क्योंकि वह जानता था कि डाह की वजह से उन्होंने यीशु को हवाले किया है। और जब वह चबूतरे पर बैठा था, उसकी पत्नी ने उसके पास यह कहला भेजा, तू उस धर्मी से कोई वास्ता न रख, क्योंकि मैंने आज सपने में उसके विषय में बहुत कुछ देखा है। लेकिन याजकों के सरदारों और प्राचीनों ने लोगों को समझा दिया कि तुम बरब्बस को मांगो और यीशु को कत्ल करवाओ। पर हाकिम जवाब दे कर उनसे तुम इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं छोड़ दूं। लेकिन वे बोले बरब्बस को। पिलातुस ने उनसे फिर मैं यीशु के हक में जो मसीह कहलाते हैं क्या करूं। सबके सब बोले उसको सलीब दी जाए। हाकिम ने उनसे पूछा क्यों, उसने क्या कसूर किया। पर वे और भी चिल्लाते
सलीब दी जाए। पिलातुस यह देख कर कि कुछ फायदा नहीं होता है, मगर शोरगुल बढ़ती जाती है, उसने पानी लेकर लोगों के सामने अपने हाथ धोए, कहते हुए मैं इस धर्मी के लहू से पाक हूँ, तुम जानो। और सब जवाब में बोले, उसका लहू हम पर और हमारी औलाद पर। तब उसने बरब्बस को उनके वास्ते छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर उनको सौंपा, ताकि उनको सलीब पर जड़ दे। तब हाकिम के सिपाही यीशु को प्रेटोरियम में ले गए और सारे गिरोह ने यीशु को घेर लिया, और उन्होंने उनके कपड़े उतारे और उसे एक किरमची पोशाक पहनाई, और उन्होंने कांटों का ताज बनाकर उसके सिर पर रखा और एक नरकट उसके दाहिने हाथ में दिया, और उनके आगे घुटने टेक कर उनसे ठट्ठा करते थे, यह कहते हुए सलाम ऐ बादशाह यहूदियों का। फिर यीशु पर थूक कर उस नरकट को लेते थे और उनके सिर पर मारते थे, और जब वे यीशु से हंसी कर चुके तब उन्होंने वह पोशाक उनके बदन से उतारी और उन्हें उनके कपड़े पहनाए, तब उनको लेकर चले सलीब पर जड़ने के लिए। और बाहर निकलते समय एक आदमी करीनवासी उनको मिला जिसका नाम सीमोन था, और उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि यीशु का सलीब ले चले, और एक जगह में पहुँचे जो गोलगोथा कहलाती है, जिसके माने हैं खोपड़ी की जगह। और उन्होंने शराब जिसमें पित मिला था उनको पीने को दी, और यीशु ने उसे चख कर पीना नहीं चाहा। तब उन्होंने यीशु को सलीब दिया और आपस में चिट्ठा डालकर उनके कपड़े बांटे, ताकि पूरा हो जो पैगंबर ने कहा था, उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे लिबास पर चिट्ठा डाला। और वे बैठकर उनकी निगरानी करते थे और यीशु का दोष पत्र लिखकर उनके सिर के ऊपर टांगा कि यह यीशु है बादशाह यहूदियों का। और उस वक्त उसके साथ दो चोर सलीब पर खींचे गए, एक दाहिने बगल और दूसरा बाईं ओर, और वे जो उधर से गुजरते थे अपना सिर धुनकर उनकी निंदा बकते थे, कहते हुए वाह तू जो खुदा का घर नष्ट करता और तीन रोज में फिर उसे खड़ा करता है, अपने तई को छुड़ा। अगर तू बेटा है खुदा का तो सलीब से उतर आ। इस तरह याजकों के सरदार, शास्त्रियों और प्राचीनों के साथ यीशु का ठट्ठा करते थे। दूसरों को इसने छुड़ाया, अपने तई नहीं छुड़ा सकता है। जो यह इसराइल का बादशाह है तो अभी सलीब पर से उतरे कि हम इसको माने। उसने खुदा पर भरोसा रखा है तो अब वह इसे छुड़ावे, अगर यह उसका प्यारा है, क्योंकि इसने कहा है
कि मैं खुदा का बेटा हूँ। वे चोर भी जो उनके साथ सलीब पर खींचे गए थे इस तरह यीशु का अपमान करते थे, लेकिन छठी घड़ी से नौवीं तक सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और करीब नौवीं घड़ी के यीशु बड़े जोर से चिल्लाए या एली एली लामा सबाखतानी, जिसके माने खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर जो लोग वहां खड़े थे यह सुनकर कहते थे यह इलियास को पुकारता, तब उसमें से एक ने दौड़कर पनसोखा सिरके में डुबाया और नरकट पर रखकर उनको पिलाया, लेकिन दूसरे कहते थे छोड़ दो कि हम देखें अगर इलियास इसे छुड़ाने लेकिन यीशु ने फिर बड़े जोर से चिल्लाकर रूह को सौंप दिया। और भूचाल हुआ और पत्थर तड़क गए और कब्रें खुली और बहुत से धर्मी जो मर गए थे उनकी लाशें फिर जी उठी और यीशु के फिर जीने के बाद कब्रों में से निकलकर मुकद्दस शहर में गई और अपने तई बहुतों को दिखाया, लेकिन जब जमादार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे भूचाल और जो कुछ हुआ देखा तो उनको बड़ा डर लगा और वे कहने लगे यह सचमुच खुदा का बेटा है। और उस जगह में बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु के पीछे पीछे आई थीं, उनकी सेवा करने के वास्ते दूर पर खड़ी थीं, उनमें मरियम मगदलेना और मरियम याकूब और जोसेफ की माँ और जवेदी के लड़कों की माँ थी। जब शाम हुई तब अरिमथिया से एक धनी सज्जन आए, नाम उसका योसेफ, और यीशु के शागिर्द भी थे। वे पिलातुस के पास गए और यीशु की लाश मांगी। तब पिलातुस ने हुक्म किया कि लाश उनके सपुर्द की जाए और यूसुफ ने लाश लेकर एक सफेद चादर के कफन में लपेटी और अपनी नई कब्र में जो उसने एक पत्थर में खुदवाई थी उसे रखा और कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगाकर चला गया। वही कब्र के सामने मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम बैठी रही। दूसरे दिन यानी तैयारी के दिन के बाद याजकों के सरदार और फरीसी पिलातुस के पास जमा होकर बोले, ऐसा हमको याद है कि उस दगाबाज ने जब वो जीता था कहा कि वे तीन रोज के बाद फिर जी उठूंगा।
अब हुक्म करें कि 3 रोज तक कब्र की निगरानी होती रहे, ताकि उसके शागिर्द रात को कहीं आकर उसे चुरा न ले जाएं और लोगों को कहें कि वह मौत से जी उठा है। तब यह पिछली गलती पहले से भी बदतर होगी। पिलातुस ने कहा, चौकीदार आपके पास है, जाइए और जैसा आप जानते हैं चौकी कीजिए। और वे गए और कब्र के ऊपर चौकीदारों को बैठाया और पत्थर पर मुहर की। जब प्रताप आपको मसीह